स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी राजस्थान। आंसर ए तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कोमुरावेली गांव प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल चार अलग अलग राज्यों से लगभग 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। अगला प्रश्न, रविचंद्रन अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? ए जहीर खान, बी अनिल कुंबले, सी हरभजन सिंह, डी जवागल श्रीनाथ। आंसर बी अनिल कुंबले। एक्सप्लेनेशन, रविचंद्रन अश्विन ने 16 फरवरी 2024 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अपना 500वां टेस्ट विकेट हासिल किया। दूसरे दिन के अंतिम सत्र में जैक क्रॉली को अश्विन ने आउट कर दिया, जिससे अश्विन अनिल कुंबले के बाद टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए। अगला प्रश्न, साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस IIT द्वारा किया गया? ए IIT वाराणसी, बी IIT दिल्ली, सी IIT जम्मू, डी IIT मुंबई। आंसर सी IIT जम्मू। एक्सप्लेनेशन, IIT जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। यह अपनी तरह का पहला प्रणाली है और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीक है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम की लागत लगभग 4 लाख रुपए है। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी एस जयशंकर, सी पीयूष गोयल, डी अनुराग सिंह ठाकुर। आंसर डी अनुराग सिंह ठाकुर। एक्सप्लेनेशन, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ए 25,000 रुपये, बी 30,000 रुपये, सी 35,000 रुपये, डी 40,000 रुपये। आंसर ए 25,000 रुपये। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की। इस अप्रैल से प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। साल 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है।